हेलो दोस्तों, क्या आप अपना खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना एक फ्री का वेबसाइट बना सकते हैं और कैसे आप उसे अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए बिना वेस्ट के टाइम करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को दबा दीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र में आप एक जीमेल अकाउंट आप बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बना रखा है तो मैं उसे ही ओपन कर लूँगा। ये मैंने अभी टेम्परेरी बना रखा है तो इसे ओपन कर लिया। उसके बाद आप ब्लॉगर में जाएंगे, blogger.com पे साइन इन करेंगे। और आपके पास जीमेल अकाउंट नहीं है तो आप न्यू बना सकते हैं, जैसे कि मैंने साइन इन कर दिया। इससे ये पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी पासवर्ड है आपका। नेक्स्ट कर दीजिए, आ जाएगा, अपडेट कर देंगे बाद में। ये अभी न्यू बना हुआ है तो इसलिए मांग रहा है, ये डेमो के लिए ही मैंने बना रखा है। तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद कह रहा है चूज योर ब्लॉगर नेम, किस नाम से आप बनाना चाहते हैं। तो मैं अगर बनाना चाहता हूँ टैक्स रिलेटेड तो मैं डाल दूँगा टैक्स नॉलेज, या कुछ भी डाल सकते हैं, टैक न्यूज़ या कुछ भी आप अपने हिसाब से। नेक्स्ट, अभी आपको एड्रेस, ये सब डोमेन आपको मिलता है तो इसके लिए आप जो भी डाल सकते हैं। आपको चेक करना पड़ेगा वो कि अवेलेबल है नहीं है वो, तो आपको डालना है टेक न्यूज़। अब देखिए ये अवेलेबल नहीं है तो जो भी आपको कुछ यूनिक डालना पड़ेगा, टेक न्यूज़ ये भी अवेलेबल नहीं है तो टेक्नोलॉजी न्यूज़ डाल देते हैं। ये भी वो नहीं है, डबल एस लगा देते हैं, टेक्नोलॉजी न्यूज़ के बाद इंडिया लगा देते हैं। ये भी अवेलेबल नहीं है, न्यूज़ बंद कर देते हैं। टेक्नोलॉजी न्यूज़ वन ये नहीं है, 24 कर देते हैं, 360 कुछ भी आप यूनिक डाल सकते हैं। मैं एक अलग ही डाल देता हूँ, टेक न्यूज़ 123 डेमो के लिए, जिससे कि टाइम वेस्ट हो जाना। ये वीडियो वाला ठीक है, इस पर आप नेक्स्ट कर देंगे। डिस्प्ले नेम में आप क्या चाहते हैं वो दिखाना क्या चाहते हैं, टेक न्यूज़ फिनिश। प्रोसेसिंग हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले नेम अपडेटेड हो गया है। यहाँ पे आप देख लेंगे ये सब, ये इनकी पॉलिसी आ गई है, आपको एक बार पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। अब ये आपका एक ब्लॉग तैयार हो गया है, सिंपल ब्लॉग। न्यू टैब में खोलेंगे, ये आपका वेबसाइट तैयार हो गई है। टेक न्यूज़ यहाँ पर डाला था, ये यहाँ पर ऐसे कर रखा है ठीक है, टेक न्यूज़ यहाँ पर। तो ये आपकी एक ब्लॉग तैयार हो गई है। अब उसके बाद अगर आप एक बढ़िया सा वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप, जैसे कि टेक्नोलॉजी से है तो आप सर्च कर लें फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट फ्री रिस्पॉन्सिबल, कुछ भी आप अपने हिसाब से सर्च कर लीजिए। 2-3 हैं, जिससे भी आपको ज़्यादा सही लगे उससे आप ले सकते हैं। या आ गए, जो भी आपको बढ़िया लग रहा है उस पर क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। ये और भी दिखा रहे हैं, ये लाइव प्रीव्यू, ये बाई कर सकते हैं, बाई है, फ्री डाउनलोड है तो डाउनलोड, फ्री डाउनलोड के जो भी है वो दिखा देगा। ये क्या क्या है, सेटअप कैसे, कॉन्फ़िगरेशन ये भी बता देंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये है
ये एक प्लगइन है इनका, यहाँ पे एक ये ऐड के लिए है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल ऐड, ये शेयरिंग के लिए है शेयरिंग, ठीक है। तो आप कैसे क्या कर सकते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसी को डाउनलोड कर लेता हूँ और इस पे ही मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आएगा। ये आ गया सेव, सेव एस कर लेंगे, इसे क्लोज कर देंगे, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे खोल देंगे, इसे ओपन कर लेंगे, जैसे भी फोल्डर बन गया है, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इसे, यहाँ पे अब आ गया है ये रहा। अब इसमें से हमें जो XML वाला फाइल है ये वाली ही हमें काम की, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको जाएंगे ब्लॉगर में, थीम्स में, रिस्टोर अगर न्यू है तो रिस्टोर, नहीं तो बैकअप ले सकते हैं। अपलोड डाउनलोड वाले में जाएंगे, जो जहाँ पे भी डाउनलोड आपने कर रखा है, जो भी है आपका, उसमें XML वाला फाइल जो है वो वाला यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे रिस्टोरिंग थीम दिखा रहा है, रिस्टोर थीम, यहाँ पे ये कस्टम है इसलिए यहाँ पे प्रीव्यू नहीं है। अब यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे, अब ये आपका आ गया है कि कैसे क्या है, ठीक है, वाला आ गया है, ठीक है। अब कैसे आपको इसे कस्टमाइज़ करना है, अब मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप जाएंगे तो जो भी आप ख़रीदेंगे तो उसमें दिखा देगा ये, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस, आस्क क्वेश्चन, बाय रेडीमेड, हाउ टू इंस्टॉल, यहाँ पे दिखा देगा, खोलेंगे इसे न्यू में तो ये दिखा देगा हाउ टू इंस्टॉल करना है, ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल, साइन इन करना है, थीम्स में जाना, जैसे ये बता रहा है, जैसे मैंने करा, ये इनका पुराना वर्जन में है, आप ब्लॉगर का न्यू वर्जन आ गया, अपलोड करना है, XML की थीम कर देना है, चूज़ कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुली दिखा देगा, उसके बाद ओपन XML फाइल एडिटर, ये दूसरा ऑप्शन है, अगर एक ऑप्शन से नहीं आ रहा है तो ये दूसरा मेथड है, दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका एक अलग था। तब हमें कस्टमाइज़ करना है, इसे कैसे करेंगे, लेआउट में जाएंगे, जो जो पहले ये डिसेबल सा दिखेगा उसे हटा देंगे, रिमूव, जहाँ भी दिखे, क्योंकि वो पीछे पेज का था जो पहले से था तो उसका है वो, एब्सेंस अभी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया तो एब्सेंस को नहीं लगाएंगे, एब्सेंस भी लगा सकते हैं ऐसे। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का है, ये आ गया, ये हमारा आ गया, अब देखेंगे कैसे आ रहा है, ठीक है। अब स्टार्टिंग से करते हैं, यहाँ पे फुल विथ ये इन्होंने अपना दे रखा है, यहाँ पे भी कुछ ओपन करना, यहाँ पे सोशल मेन्यू है, जो सोशल मेन्यू में आप कर सकते हैं, सोशल मेन्यू में यहाँ पर जाएंगे, एडिट करेंगे, एडिट में फेसबुक में, फेसबुक में आपका जो भी है, जैसे कि मैं अपना डाल देता हूँ https, पूरी वेबसाइट डाल देंगे, ठीक है, facebook.com/theinnocent, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देंगे, सेव कर दिया। ये उसके लिए आप, क्योंकि मेरे लगभग सारे सेम से हैं तो बस वेबसाइट चेंज है, तो मैं खाली वेबसाइट नेम चेंज कर दूंगा, तो ट्विटर, ठीक है, ट्विटर हो गया, प्रिंस्टन का मैं नहीं डालना, तो प्रिंस्टन वो था, एडिट इंस्टाग्राम पे भी सेम नेम से है मेरा यूजर नेम, तो मैं बस इसे चेंज कर दूंगा इंस्टाग्राम। अगर आप कुछ और भी डालना चाहें तो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं उसका, जैसे कि ये फेसबुक डिलीट हो गया, ठीक है। तो सेव करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, रिफ्रेश करेंगे,
शेयर के बटन पर जाएंगे, यहाँ पे फेसबुक और सॉरी ट्विटर और इंस्टाग्राम दिख रहा है, ठीक है, तो सोशल लिंक पे ही जाएंगे। यहाँ पे फेसबुक लिखेंगे, यहाँ पे उसका जो भी लिंक है वो डाल देंगे, ऐड लिंक पे कर देंगे, यहाँ पे हो गया, ये सेव कर देंगे। अब देखेंगे तो रिफ्रेश करते हैं दोबारा, शेयर पे जाएंगे, फेसबुक भी आ गया। कभी भी जो भी इसका जो नेम है कभी भी स्मॉल में, हमेशा स्मॉल में ही लिखें, बड़े में लिखेंगे तो ना वो नहीं आ पाएगा। देखिए जैसे कि मैं बड़ा लिख करके दिखाता हूँ आपको, बड़े में नहीं आएगा, देखिए उसका पोजीशन भी सही नहीं हो रहा। तो जो भी इसमें होता है जिस अलाइनमेंट में है उसी अलाइनमेंट में लिखें उसे, ठीक है, हो गया, ठीक है, ये एक हो गया हमारा। अब मेन्यू बार, ये मेन्यू बार का क्या है हिसाब किताब है, ठीक है, तो मैं सारी पहले डिलीट कर देता हूँ कैसे क्या है, ठीक है, एडिट होम है ये, ऐसे चाहे तो ये भी डिलीट कर सकते हैं लेकिन होम एक रहने दे रहा हूँ, ठीक है, सेव। ठीक है, देखेंगे अब होम आ रहा है खाली, ठीक है, उसके बाद तब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आएगा ये, सेम। मल्टी मेन्यू कर देता हूँ मैं, आपका जो भी हेडिंग है वो दे सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं हैश कर देता हूँ, हैश में करके एडिंग कर दूँगा, ठीक है, हैश करके एडिंग कर दिया। उसके बाद मैं ना इसके अंदर मुझे एक मेन्यू डालना है, ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ कोडिंग का एक, ठीक है, कोडिंग में मैंने डाल दिया स्लैश, जो भी उसकी लिंक है वो डाल सकते हैं, ठीक है, कोडिंग में अंदर मैंने अभी यही लिंक डाल दिया क्योंकि लिंक जो भी आपका है वो डाल सकते हैं, ठीक है ना, अगर ये कर दिया मैंने, ठीक है, सेव, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे तीन हेडिंग आएगी, मेन्यू, कोडिंग, होम। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं मल्टी मेन्यू पे करूँ, ओके, इस पे ओके करूँ, तो ये इसके अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट में आए, तो उसके लिए आपको उसी पे ओके करेंगे, ठीक है, और जिसको भी डालना चाहते हैं उसे एक अंडरस्कोर से, नाम से पहले अंडरस्कोर करके सेव कर देंगे, यहाँ पे अंडरस्कोर हो गया, ठीक है, अब देखेंगे कैसा था, ठीक है, ये देखिए आ गया होम, वैसे अरे कोडिंग एक अलग आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोडिंग में भी एक अलग दिखाना चाहें, जैसे कि कोडिंग में अब मैं बता देता हूँ, एक में HTML है, ठीक है, HTML का लोकेशन में भी कुछ नहीं डाल रहा, बस दिखा दे रहा हूँ, एक में CSS आ गया, ठीक है, तो पहले तो जिसके अंदर चाहिए वो उस वहीं पे ले जाना होगा आपको, ठीक है, मल्टी में उसमें चाहिए तो इसमें ले गया, और मुझे कोडिंग के अंदर चाहिए, ठीक है, तो कोडिंग के अंदर, लेकिन ये अभी भी अलग अलग है, सॉरी इसमें जाएंगे, और जैसे कि मैंने कर दिया कि वो अभी ये आएगा इसमें अंडरस्कोर CSS HTML, ठीक है, लेकिन अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये मल्टी मेन्यू में ही आएगा जैसे कि आप देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पे ओके करूँ तो इसके साइड में यहाँ पे आए, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, यहाँ पे आपने एक लगा रखा है ना अंडरस्कोर, वहाँ पे हमें एक और लगाना होगा, मतलब डबल। और हमेशा याद रखें जिस मेनू के अंदर चाहिए उसके नीचे ही उसे लाएं, ठीक है, सेव करेंगे,
रिफ्रेश। अब देखिए कोडिंग कोडिंग के अंदर ही है। इसके अंदर भी अगर चोटका चाहते हैं कुछ तो इस एक CSS के अंदर लेके आए, जिस जितना अंदर चाहेंगे उतना अंदर लाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद अब लोगो, लोगो में यहाँ पे नेम है, चेंज करना है चेंज कर सकते हैं, रिमूव करके आप ब्राउजिंग से कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे इनका लोगो खुद का है तो जाके सेव कर सकते हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पता है कैसे कभी भी अपना लोगो लगाएं तो कैसे लगाएं, इसे हटाता हूँ। जो फाइल डाउनलोड करी थी उन्हीं का लोगो पे जाएं, कॉपी करने पर पेस्ट कर लें, जो भी नाम डालना चाहें वो डाल सकते हैं। ठीक, दिखा रहा हूँ आप बना आपने कोडिंग सुन सकते हैं जैसे भी, ये इनका लोगो है। ठीक है, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा इसे पहले, क्योंकि साइज़ का आपका कोई ज़्यादा वो नहीं होगा, तो आप जो आप साइज डालना चाहें उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो कर दिया, यानी अरे टेक न्यूज। ठीक है, आप अपने हिसाब से लोगो लगाना है, जो लगाना है आप अपने हिसाब से करके लगा सकते हैं, और उसी के उसमें लगाएं तो ज़्यादा थोड़ा बेहतर होता है। सेव कर दें, काट दें। ठीक है, अब इसमें जाएं हेडर लोगो में, रिमूव कर दें, सेलेक्ट करें जो भी आपने डाल रखा है, जहाँ भी लोकेशन है। यहाँ से प्लेसमेंट चाहिए चाहिए वो भी आ सकता है, सेव कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना बिल्कुल उसी साइज़ का आएगा, क्योंकि आप अपना करेंगे तो बड़ा छोटा आएगा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा अलग चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि इसी में गए थोड़ा मैच करवाना ही आपको, क्योंकि तो आप पहले बड़ा करना, इतना तो आपको हटा देना है जो भी दिखा है। उसके बाद वाइट कलर इस पर वो कर दें जिससे सेम हो जाए। ठीक है, उसके बाद बस आपको स्लाइड करना है जिस कलर में भी आपको लिखना है, देख सकते हैं जिससे कि मैच भी होगा। जैसे भी आप लिखना चाहें, लोगो बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये मैं डेमो दिखा रहा हूँ जल्दी की वजह से। ठीक है, सेव, हटा दें, ले आउट में। ये मैंने शायद और किसी चीज़ पे ओके कर दिया है, कॉन्फ़िगरेशन में फ्यूचर फ्यूचर पोस्ट पे कर दिया था। ठीक है, अगर कुछ लिखना चाहें ब्लॉग डिस्क्रिप्शन तो यहाँ पे ले सकते हैं। फिर से जाएँ, अपडेट वाला सेलेक्ट कर लें और सेव करते हैं। देखें कि अब मैच हो रहा है। ठीक है ना, अब फ्यूचर पोस्ट। अब ये क्या है, ये है जैसे कि आप पब्लिश करेंगे तो ये आपका पोस्ट जो है ये यहाँ पे दिखेगा, तो कैसे दिखना चाहिए, क्या लेबल होना चाहिए, वो सब के लिए कॉन्फ़िगरेशन है, ये बाद में मैं आपको बता दूँगा। एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर जो भी आपका कोड है वो यहाँ यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। इन्होंने अभी एक इमेज का लोकेशन डाल रखा है तो वो है। ठीक है, नहीं अगर आप करना चाहते हैं तो सो वाले पे हटा दें और सेव कर दें, ये हट जाएगा, या रिमूव भी कर सकते हैं आप। ठीक है, लीव दिस पेज कर देता हूँ मैं। ब्लॉगर पोस्ट से हमें कुछ नहीं करना, सर्च में कुछ नहीं करना, सर्च में अगर आप करना चाहते तो ये देख लें जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये दिखा रहे जो सॉरी ये दिखा रहे जो सर्च ऑन दिस ब्लॉग, आप जो भी आप अपने हिसाब से लिखना चाहें वो ले सकते हैं। सर्च हियर, सेव कर दें। जी देखिए यहाँ पे हो गया चेंज। आप दूसरा वाला कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप ये जो लिखा है यहाँ पे
प्लेस होल्डर कहते हैं इसे। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं अभी बताऊंगा सब, वो अलग तरीका है उसके लिए। ये आप देना चाहें तो किसी को दे सकते हैं, कॉपीराइट का अभी हटा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इसमें इसमें फुटर में अपने आप ही आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमने ब्लॉगर से लिया नहीं है, तो यहाँ पे रिसेंट पोस्ट भी नहीं दिखा रहा, ये पोस्ट भी नहीं दिखा रहा, कोई सा भी पोस्ट नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने पोस्ट कोई नहीं किया। तो हम अभी पोस्ट भी करेंगे उसके लिए, ठीक है। ये ब्लॉग अचीव में हमारा दिखा देगा इस मंथ में कितना हुआ है, तो उस बुक कैसे हिसाब से, आप मंथ के हिसाब से देखना चाहें तो सब तरह से दिखा सकते, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं आप जो भी चाहें। रिपोर्ट रखना चाहें रख सकते हैं, रिपोर्ट अब्यूज़ नहीं तो हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सोशल प्लगइन, सोशल प्लगइन में आपका यही है फेसबुक आपका, जैसे कि जो दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये शेयर होगा तो यहाँ पे दिखे अभी हुआ रहा है, तो आप बस आपको जो आपकी सोशल नेटवर्किंग की लिंक है वो आपको बस यहाँ पे पेस्ट करना है और कुछ नहीं। अबाउट मी में आप रखना चाहते रह सकते हैं, दिखा देगा अबाउट मी की जगह, लेकिन मैं नहीं रखता हूँ, हटा सकता हूँ, ठीक है। पॉपुलर पोस्ट रखना चाहें तो पॉपुलर पोस्ट भी रख सकते हैं, और नहीं रखना चाहें तो नहीं रख। कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलर पोस्ट, उसके बाद फेसबुक, फेसबुक का है ये जो यहाँ पे आ रहा है, ये आपका इसमें दिखा देगा कि कैसे फेसबुक में वो है, ठीक है। तो आपको इसमें से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, बस जो यहाँ पे लिखा है facebook.com के बाद यहाँ पे बस आपको अपने पेज का लिंक डाल देना, जैसे कि मैं एक है उसका डाल देता हूँ, टेक मेक इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे facebook.com जो दिख रहा है उसके स्लैश के बाद आपको अपना बस डाल देना और सेव कर देना, और मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपका जो है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। देखिए आ गया, ओके। अब सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर्स में आप YouTube के अपनी वीडियो का लिंक डाल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस ये आपको 11 नंबर का जो कोड होता है, बस वो आपको वीडियो का कोड होता है, वो बस आपको चेंज करना है, और जो भी है आप सेम छोड़ ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी में ये आपको लेबल्स आ जाते हैं, जैसे कि कुछ भी आप लेबल में बता दूँगा अभी बाद में, तो आएंगे तो कहाँ आएंगे। ये सर्च के लिए भी होता है, ये भी पोस्ट जब हम पब्लिश करेंगे रिसेंटली अगर हमने यहाँ पे करा, तो उसके बाद जो भी सबसे लेटेस्ट पोस्ट होगा वो इसके अंदर आएगा, जो कि यहाँ पे सेक्शन में दिखाएगा रिसेंटली पोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। सेक्शन ये कैटेगरी और टैग सेक्शन है, यहाँ पे वो शो करेंगे अभी, जो भी दिखाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। उसके बाद ये रिसेंटली रिसिप्ट, ये रिसेंटली रिसिप्ट यहाँ पे है, ये सब पोस्ट शो करेंगे यहाँ पे ना, नो पोस्ट फाउंड, तो ये पोस्ट करेंगे तो हम दिखा देगा। ये मेन फुटर है जो इनका फुटर है, ठीक है। होम अबाउट और ये ओके, ये वाला है देखेंगे तो आप, ये तीन इसमें आप एक लगा सकते हैं, इसमें भी ऐड करना चाहें तो सेम ही मेथड है जैसे हमने ऐड करा था, ठीक है। ओके, तो अभी तक का तो हो गया है ये कि हमने लगभग थोड़ा बहुत डिजाइन कर लिया। अब पहले एक नॉर्मल पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी आप टाइटल देंगे वही आपका URL बन जाएगा, ठीक है। जो भी आप टाइटल देंगे वही आपका, यहाँ पे देखिए लेबल डालेंगे तो मैं डालता हूँ हेलो, या जो भी रिलेटेड है वही डालेंगे, FIR ST फर्स्ट पोस्ट पोस्ट, ठीक है। लॉक करके दूसरा भी डाल सकते हैं, सेकेंड पोस्ट, आप जितना डाल चाहें डाल सकते हैं। ये पब्लिश डेट ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, और किसी दिन आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो उस दिन का सिलेक्ट करके टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, या ऑटोमेटिक पे ये सेट है। पैरालिंक जैसे कि देखेंगे ये आपकी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये ईयर आता है, उसके बाद मंथ आता है, उसके बाद आपका जो ये फर्स्ट पोस्ट है जो यहाँ पे लिख रखा है वो है, आप कस्टम भी कर सकते हैं लेकिन ईयर और मंथ सेम रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं सेम डाल देता हूँ FIR ST फर्स्ट
डैश लगाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि थोड़ा वो रहता है, नहीं तो अगर स्पेस छोड़ेंगे तो वो अलग कोडिंग से आ जाती है, 0% करके, जो स्पेस की जो कोड लैंग्वेज में होती है। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, अभी के लिए तो शायद आ जाएगा, या तो स्पेस ना छोड़े, अभी के लिए आ जाएगा, लेकिन आप पोस्ट करेंगे तो वो अलग ही दिखाएगा। मैं आपको दूसरी पोस्ट में या तो दिखा दूँगा बाद में। ठीक है, ये लोकेशन पर लिंक हो गया, ये लोकेशन हो गया, जहाँ से डालना चाहें ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, प्रीव्यू के लिए देखना चाहें या पब्लिश करना चाहें तो पब्लिश कर सकते हैं। उससे पहले आप जो भी आप अगर चाहें तो अपना कोड का पोस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, सीधा कोड जो भी लिखना चाहें आप, जो भी, जैसे कि मैं एक बस लिख के दिखा देता हूँ, H1 टैग से FIRST फर्स्ट पोस्ट, और उसके बाद क्लोज कर दूंगा मैं टैग इसको, अगर आपको कोडिंग की जानकारी है तो, और नहीं तो आप कंपोज में जाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट आ गया। ठीक है, तो लेकिन इस यहाँ पे आपको लिखने से ज़्यादा सही है, क्यों? देखिए आप, यहाँ पे कोड हटा दिया मैंने, ठीक है, ये हटा दिया मैंने। अब क्या करते हैं, अब पहले हमें सेंटर में आता हूँ कि सेंटर में मुझे लिखना है, ठीक है, बीच में लिखना है, उसके बाद पैराग्राफ में मेरे को हेडिंग लिखनी है, तो हेडिंग में उसके बाद मैं लिखता हूँ FIRST फर्स्ट POST। तो इसमें इतना ज़्यादा कोडिंग आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप देखेंगे मार्जिन H1 हेडिंग अपने आप आ गई, मार्जिन लेफ्ट साइड में, ये सब अपने आप ही नॉइस ने कर दिया, बस हमें क्लिक करा है उस पर। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं, जैसे कि इसका थंबनेल भी तो होता है, तो थंबनेल के लिए आप पोस्ट जो भी अपलोड करना चाहें कर सकते हैं, मैं अभी के लिए यही अपलोड कर देता हूँ दिखाने के लिए, बस से बस, नहीं दिखा करेंगे तो आप वो नहीं दिखाएगा, कुछ अनो इमेज करके दिखाता है वो जो डिफ़ॉल्ट होता है। ये हो गया पोस्ट। ठीक है, अब इसमें जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं, आपका पोस्ट यहाँ पे पहला शो करेगा। यस, ये पोस्ट ऐसा दिखा रहा है क्योंकि सब इमेज के साइज़ के ऊपर है, इमेज का साइज़ कैसे है वो अगर कमेंट में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो पूछ सकते हैं। ये रीड मोड पे करेंगे तो पूरा का पूरा हमारा पोस्ट, ये इमेज जो हमने लगाया था वो पोस्ट, रेप शेयर का भी ऑप्शन, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये लिंक आ गया फर्स्ट फोर डॉट HTML में ही हमेशा ये कोड होता है। ठीक है, अब यहाँ से ये सीधा आप अपने लोगो पे ओके करके भी होम पे जा सकते हैं। ये आ गया नवंबर, देखिए अगर सर्च करेंगे तो, अगर मैं, ठीक है, ये यहाँ पॉपुलर पोस्ट, ये थोड़ी देर में अपने आप ही आ जाएगा क्योंकि अभी अपलोड कराया था, नहीं आएगा। ठीक है, फेसबुक ये कैटेगरी टैग्स, ये सारे अभी थोड़े से टाइम लगेंगे आ जाएंगे, या रिसेंटली पोस्ट में देखिए ये आ गया है, तो सब थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी न्यू है तो आ जाएगा। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, स्टैटिक्स में देख लेते हैं, यहाँ पे स्टैटिक्स दिखाएगा, जैसे कि 25 बार हम जा चुके हैं, जैसे मैं ही क्लिक कर रहा हूँ इसमें, एक बार और देखो, रिफ्रेश कर दिया ना, अब इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी ये थोड़ी देर में अपडेट होगा, 25 है हो गया है, तो स्टडी के अभी कुछ नहीं क्योंकि अभी हमने बनाया है। ये पोस्ट है, लेटेस्ट पोस्ट पे 4 बार जा चुके हैं, ऐसा ये दिखा रहा है। कमेंट अगर कोई करेगा तो वो यहाँ पे आएगा, अर्निंग के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन से ऐड करना पड़ेगा पेज, पेज बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है पेज, और कैसे इसका लोकेशन है अगर आपको नहीं पता इसका लोकेशन तो मैं बता दे दूँगा। ठीक है, तो जैसे कि आप कुछ भी हैं तो कॉन्टैक्ट अस का फोल्डर बनाना चाहते हैं, जैसे कि अबाउट अस का, ठीक है, अबाउट अस का जो भी आप अपना लिखना चाहें वो, हेलो दिस वेबसाइट अलाउ टू टैक टिप्स एंड ट्रिक्स, जो भी आप लिखना चाहें, हेडिंग देना चाहें, पैराग्राफ में देना चाहें, सेंटर में लिखना चाहें, ये पॉइंट आ जाएगा, या आप नंबर लिखना चाहें या अपने आप नंबर आ जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आ जाएगा,
ब्लॉक कोटेशन करके ये है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा। ये फोन आ जाएगा, इसका कलर चेंज अगर करना चाहें तो यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। ये कलर चेंज हो गया इतना चाहेंगे, ठीक है। तो इसे मैं आपको यूज कर देता हूँ। ओके, लेकिन पेज कभी भी यहाँ पे नहीं दिखाया क्योंकि वो आपका इंटरनल चीज़ है, तो वो नहीं। अगर आपको लोकेशन पता है किसी का तो नहीं, आप सही हैं, क्योंकि अगर जैसे कि इस पे गया मैं, इसे मैंने चेंज कर दिया ओनली अबाउट पे। लेकिन पहले जो सबसे पहले वो कराया था वो अबाउट टस कराया था, तो उसके लिए आपको लिंक अगर देखना है, अगर नहीं पता आपको तो इस पे ओके करेंगे। न्यू टैब में आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, ये पूरा पूरा कभी भी पेज का लिंक स्लैश पेज पी मतलब पेज और उसके बाद टाइटल, उसके बाद HTML, ठीक है। ये होता है, ये आपका पेज बन गया। तो आप ये पेज को ऐड करना चाहें कहीं भी तो जैसे भी कर सकते हैं, जैसे लेआउट में आए, जैसे कि मैंने मेन फुटर का कहा तो मेन फुटर में मैं कॉन्टैक्ट अस अबाउट, अबाउट की जगह मैं अगर चाहूँ तो इसे पेस्ट कर सकता हूँ। पेस्ट करने के लिए ऐसे आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, पेस्ट ये स्लैश करके पी लिख सकते हैं, स्लैश से आपका वेबसाइट सीधा रिट्रैक्ट करता है। उसके बाद जो भी है अबाउट डैट डैश अस डॉट HTML, ठीक है। सेव सेव रिफ्रेश रिफ्रेश जाएंगे। अब इस पर देखें, इस पर मैं जाता हूँ, ओके करता हूँ, अबाउट अस पेज को ले गया, ठीक है ना। ये दो मैंने वो लगा दिए थे, सब आगे हेलो ब्लू में कर दिया था, वो सब आगे हैं, ठीक है। अब तो ऐसे ही और ऐड करना चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, आप जो करना चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो जो बच गया है वो बता, हाँ यहाँ पे जैसे कि शेयर का था तो मैंने शेयर पे मैंने अपना डाला करता, इसमें आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे शेयर करा, मैंने जो लिंक डाल रखा था एनिमेशन रंगी, तो मेरी अपनी खुद की जो है वो खुल चुकी है, मेरी जो प्रोफाइल है यहाँ पे, जिसका भी आप एड्रेस डालेंगे वो ओपन आ जाएगा, ठीक है। अब जो इसमें कुछ कुछ चीज़ें नहीं है और आपको एडिट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कोई ज़्यादा बनी है, जैसे कि यही था आपका सर्च दिस ब्लॉग, ठीक है। सर्च दिस ब्लॉग के लिए सीधा आपको थीम में जाना है। अब हम अंदर से कोडिंग करेंगे, एडिट HTML, इस पर क्लिक करना है, ये नहीं नीचे आ जाता है, इस जो कोड है उसके ऊपर क्लिक करके सर्च करना है और जो लिखा है वो आपको लिख देना है, जो भी ढूंढना है आपको। सर्च दिस ब्लॉग एंटर कर देना है, ज़्यादा लंबा शायद सर्च नहीं करता तो सर्च दिस पे ही ओके कर देना है, सर्च, ठीक है। वो शायद कुछ कुछ कभी कभी दिक्कत करता है, सर्च ब्लॉग सर्च, यहाँ पे ये समथिंग कुछ दिखा रहा है, जहाँ जहाँ एक बार देखना पड़ेगा आपको। हाँ अब देखिए, ये देखिए टाइटल हमने डाल दिया था सर्च दिस, है ना, ब्लॉग सर्च में वो करेगा आपका। यहाँ पे जो भी चीज़ है यहाँ से अगर आप चेंज करेंगे तो सर्च हेयर का भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको बस वो देखना है कि कहाँ पे लिखा हुआ है सर्च सर्च दिस इज दिस सर्च दिस ब्लॉग ही लिखा हुआ है तो क्यों सर्च नहीं कर रहा। एक सेकंड मैं यहाँ चेक करता हूँ, कुछ दिक्कत हो रखा होगा। सर्च दिस ब्लॉग सर्च दिस कोई बात नहीं, प्लेस होल्डर भी कहते हैं उस चीज़ को, तो एक बार आप उस चीज़ से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लेस होल्डर यहाँ पे एक आया सर्च दिस ब्लॉग, यहाँ पे कोडिंग है ना, यहाँ पे भी दिखा रहा है लेकिन हमें यहाँ पे कोडिंग नहीं करना, ठीक है। वो अलग जहाँ पे टेक्स्ट दिखेगा वहीं पे हम कोडिंग कर सकते हैं।
आपको अभी दिखाता हूँ कि वो कहाँ पे होगा। सर्च ब्लॉग, सर्च सेक्शन, सर्च मैसेज, डाटा, यस यस यस, दिस इज एक्सप्लोर स्पेस होल्डर, सर्च दिस ब्लॉग, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी पहले कर सकते हैं और इसको सर्च कर सकते हैं। तो इनका एक अलग सेक्शन है ऐसे, लेकिन मैं जैसे कि यहाँ पे बस करके दिखाता हूँ, देखता हूँ सब यही है। कोई कोई से उस थीम में हो जाता है, किसी किसी थीम में नहीं होता है। सर्च दिस तो नहीं हो रहा, ठीक है, कंट्रोल जेड कर देंगे उसकी वजह से, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। कंट्रोल जेड जो भी है, और उसके बाद हम अपना वाला सर्च करेंगे, जैसे कि मैंने हमने दिखाया सर्च हेयर, ठीक है, सर्च हेयर, सर्च हेयर पे ही अब हम फोकस करेंगे, कि जो बिकॉज होता यहीं पे है, जो भी चीज़ डाटा जो भी होता है सब यहीं पे होता है। तो स्लाइड बार, यस, फर्स्ट टाइटल, ट्रू ट्रू, ये कॉन्टेक्ट, सर्च फॉर्म, सर्च URL, प्रीव्यू, फॉर्मेट, सर्च इमेज, सर्च प्लेस होल्डर दिख रहा है बट समझ नहीं आ रहा। टाइप, सबमिट, मैसेज, ब्लॉग, सो पोस्ट, ये अचीव का आ चुका है सर्च ब्लॉग, ठीक है। तो इसमें इस वाले में शायद हमें अलाउ नहीं कर रहा वो देखने के लिए, तो इस वाले में नहीं हो पाएगा। देखिए पॉपुलर पोस्ट में ये भी आ गया ना, पॉपुलर पोस्ट आ गया, कैटेगरी आ जाएगा, और कैटेगरी अभी जब हम मानेंगे उसके बाद यह शो कर देगा। तो इसे अभी हटा देते हैं, अभी जैसे कि हमने कुछ भी नहीं करा इसका, ये हो चुका है कोडिंग। इसमें जैसे कि मुझे और भी ऐड करना है, ये हो गया कोडिंग के प्रोसेस से। अब मैं कर देता हूँ एक हैकिंग, हैकिंग टिप्स करके, लिंक जो भी आप डालना चाहें, क्योंकि इसमें मैं इसके अंदर जान करना चाहता हूँ। तो इसे पहले यहाँ पे लेंगे, हैकिंग टिप्स कोडिंग के बाद आए, है ना, सॉरी, कोडिंग के बाद आए, या फिर अगर आप इसके साथ लाना चाहते हैं तो उससे पहले भी आ सकता है। जैसे कि मल्टी है, मल्टी वाले को हमने ऊपर करा, ठीक है, हैकिंग वाला हमारा नीचे जाएगा, क्योंकि हम इसके बाद लाना चाह रहे हैं इसे, ठीक है। और इसमें आएगा एक सिंगल अंडरस्कोर, सेव सेव, गो रिफ्रेश, ये आ गया, हाँ ओके, ये हो गया आपका वेबसाइट तैयार हो गया। अब इसमें आप सर्च करने में जो भी, जैसे कि फर्स्ट पोस्ट करके हैं तो फर्स्ट डालेंगे तो फर्स्ट पोस्ट का क्वेरी आ जाएगी, फर्स्ट पोस्ट, यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट का ये दिखा दिया इसने, क्वेरी ये की है, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी अब ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। चलिए दिखा और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ब्लॉगर सर्च, प्रोफाइल, हैंडल, फ्लो पर्सनेज, लेबल, पेज,
टेक्स्ट, पॉपुलर, ब्लॉग स्टेटिक्स, कितने बंदे आए, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर करना चाहें, कॉन्टैक्ट फॉर्म, विकिपीडिया और जो भी है सब कर सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं, वो इस सेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। ओके तो हम इसके बाद ये हो गया है, अब आते हैं सेक्शन सेटिंग में। यहाँ पे है इसका डिस्क्रिप्शन, जो भी आप अपना डालना चाहें वो डाल सकते हैं। लैंग्वेज ये है नहीं है, एडल्ट कंटेंट। फेनिकॉल, फेनिकॉल क्या होता है, फेनिकॉल जो आप यहाँ पे आपकी वेबसाइट हो रहा है तो ये चीज़ जो दिख रहा है ना टाइटल के पकड़ के, इसे फेनिकॉल बोलते हैं। और यहाँ से आप उसे डाल सकते हैं, इसका लेस निकाल रहे हैं वो, जैसे कि इस पर ओके करा, ये नॉट स्क्वायर्ड है इसलिए उसने मना कर दिया, तो स्क्वायर्ड इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइवेसी, ये एड्रेस है, यहाँ पे अगर चेंज करना चाहें तो कुछ कर सकते हैं, जैसे कि 5 की जगह 7 कर दिया, सेव कर दिया मैंने, हो गया अपडेट। लेकिन अब इस पर नहीं दिखाएगा नॉट फाउंड, क्योंकि अब यहाँ पे चेंज हो गया, ये जो वेल वाला होगा उसी से होगा। अब 7 कर दिया, 7 पे आ गया, राइट। तो ये एक बार नहीं, एक ही बार चेंज करें, ये HTTPS, जैसे कि ये सिक्योर वेबसाइट दिखा रहा है HTTPS, तो इसके लिए है। अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप इसे मन कर सकते हैं। परमिशन इनवाइट किसी को करना चाहें तो एक पेज में कितना पोस्ट रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। पोस्ट टेम्पलेट अगर यहाँ पे कुछ लिखना चाहें, हेलो, या फिर जैसे कि कुछ भी देखना चाहें, थैंक्स, सेव करेंगे तो कुछ भी आप न्यू पोस्ट करेंगे तो उसमें पहले आपको दिखा देगा ये, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इमेज लाइक, कुछ भी इमेज है जैसे कि आप इस पोस्ट पे जाएंगे, ओके करेंगे। अगर मैं इस पर ओके करूँगा तो यहाँ मेरे को पोस्ट फोटो दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप इसे ऑफ कर देंगे तो मैं इस पर ओके नहीं, अभी रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो ये पोस्ट अब ऐसे दिखेगा, पीछे का ट्रांसपेरेंट जो है वो ट्रांसपेरेंट सब नहीं दिखेगा, और ये बैक करना पड़ेगा आपको। तो ये इसके लिए है आइडिया बना लिया, अगर कुछ भी आपने पोस्ट करा उसके अलावा क्या चीज़ की डिमांड आ रही है गूगल सर्च में और वो नहीं मिला वो उसमें दिखा सकते हैं, ये कौन कमेंट कर सकता है वो आप इस चीज़ को मैनेज यहाँ पे कर सकते हैं। कमेंट फ्रॉम ये है, अब एक ऑटोमेटिक कमेंट दिखा सकते हैं कि हाँ किसने पोस्ट किया, तो थैंक्स, थैंक्स फॉर वो, यहाँ पे फॉर्मेटिंग डेट का, टाइम का, टाइम स्टैम्प का, यहाँ पे मेटा सर्च, सर्च में करना आपका जो है कि जैसे कि आपका वेबसाइट है वो किस चीज़ पे बेस है, तो ये मेटा टैग आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉग टिप्स, फ्री टिप्स, ऐसा समथिंग करके आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि ये कोई टाइप करेगा तो आपका भी हो जाएगा। और ये है क्वेश्चन, अगर आपका कोई वेबसाइट पेज एरर है, जैसे कि मैं आपका डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, एरर पेज है, ठीक है, तो उसकी जगह आप क्या दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये पेज को अगर मैं चाहूँ देखकर तो कॉपी करा, एरर है, उस पर देख सकते हैं कि दिस पेज नॉट एक्जिस्ट, ठीक है। तो पहले तो ये हो गया, दिस पेज नॉट एक्जिस्ट, ठीक है। ऊपर से अगर आप चाहते हैं कि आपने डिलीट कराया वो पेज, तो आप सीधा से उसका वो डाल सकते हैं। आप हमेशा ये वाली चीज़ कॉपी करनी है आपको, हमेशा वेबसाइट के बाद वाली, और इसे आप जिस पे भी दिखाना चाहें उस पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपका किस पे, जैसे कि मैं कुछ पे भी दिखा देता हूँ, जैसे अमित,
इस वाले पे परमानेंट के लिए है, रिडायरेक्ट हो जाए, सेव कर दिया। अगर इसकी जगह वो पेज होगा तो वो अब वो दिखा देगा। देख इस पर रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे अमित आ गया, लेकिन ये पेज भी नहीं है तो इसलिए नहीं एग्जिस्ट होगा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, ये स्क्रॉल डाल सकते हैं, कस्टमाइज रोबोट टेक्स्ट डाल सकते हैं। रोबोट टेक्स्ट अगर क्या है क्या है तो आप गूगल करें, आप ब्लॉगर वो टेक्स्ट। ठीक है, जाके कहीं से आप कॉपी पेस्ट करेंगे, आपको दिख लेंगे क्या चीज़ अलाउ करना है क्या नहीं, उसके हिसाब से फर्स्ट में जाके जैसे आपको कोई पेज अलाउ नहीं करना, ये डिस अलाउ सारी चीज़ें सेव कर देंगे। ठीक है, वो हो जाएगा। कस्टमर रोबोट हेडर, हेडर इन सब में नो इंडेक्स नो डीपी, इसके लिए अगर क्या है उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि किस पे क्या अगर फिल करना है उसके लिए भी अवेलेबल है। आप ये कॉपी करें, इसे पेस्ट करेंगे यहाँ पे, एंटर कर दो। आप देख किसी फर्स्ट पे सेकंड पे किसी पे बहुत सारी लिंक है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं तो आपको कैसे ये दिखा देगा किस पे क्या करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप इसमें जाकर देख सकते हैं। और हाउ टू परफॉर्म वो करने के लिए तो सीधा ये रहा आपका, तो जैसे होम पेज ये पुराने के हिसाब से तो ऑल और नो अचीव करना है फर्स्ट होम वाले पे, तो सीधा आप जाएंगे यहाँ पे होम पेज का है ऑल और नो अचीव पे ओके कर देंगे। उसके बाद दूसरा देख लेंगे, दूसरा अचीव एंड सर्च इमेज पे नो इंडेक्स नो फॉलो नन और नो अचीव, इस पे जाएंगे अचीव एंड सर्च पे नो फॉलो नन नो अचीव और नो इंडेक्स पे ओके कर देंगे। ठीक है, नो इंडेक्स नो अचीव, उसके बाद ऑल और नो अचीव पे थर्ड वाला जो है इसका पोस्ट एंड पॉइंट पे ऑल और नोट अचीव जो हुआ उस पर ओके कर देंगे, तो आपकी सेटिंग हो गई। इससे भी एडवांस अगर चाहते हैं तो कुछ और यहाँ पे आफ्टर बहुत सारी चीज़ें हैं, सेम सब अपने अपने तरीके से बताते हैं आपको क्या चीज़ पे क्या लेना है। वो देखिए यहाँ पे भी ऑल नो डीपी इन्होंने कर रखा है नो डीपी, तो सब अपने अपने तरीके से बताते हैं, तो उसमें आप देखते हो कि आपका किस बेस पे आप रख रहे हैं। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल में जाने के लिए आप उस पर ओके करेंगे, गूगल सर्च कंसोल खुल जाएगा। जैसे कि आपको गूगल पे इंडेक्सिंग करानी है तो कैसे कराएंगे, ठीक है, वेरीफाई कैसे कराएंगे, उसके लिए आप सीधा जाएंगे वेरीफाई में, हम वेबसाइट का एड्रेस डाल देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये गूगल का है तो खुद ही वेरीफाई कर लेगा, गो टू द प्रॉपर्टी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट साइड मैप पे आएंगे, सीधा यहाँ पे साइड मैप डाल देंगे, साइड मैप ये ऑटोमेटिक ही ब्लॉगर सर्च कर लेता है, साइड मैप डॉट html ये होता है, सबमिट करेंगे, हमारा एक पोस्ट है तो वो दिखा देगा वो सबमिट, ये रहा html 30 तारीख को इन्होंने सबमिट कर दिया। एक और इसका दिखा देता है ऑटो डॉट xml, इसमें जाके इसे भी सबमिट करेंगे तो ये दोनों ही आपके दिखा देता है। ठीक है, ये होम पेज की भी डिटेल लेके रखता है इसलिए दो दिखाता है, हमारा पोस्ट एक है एक दो, तो ये दोनों ही आप सबमिट करना चाहें तो कर सकते हैं। तीसरा अगर कुछ है तो आप थर्ड पेज इसके लिए हैं तो थर्ड पेज फोर्थ पेज जैसे भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपको दिखा दिया साइड मैप दो इंडेक्सिंग समथिंग समथिंग दिखा रहा है, ये आपका ये वेबसाइट दिखा दिया, ये कह रहा है कितने आपको अभी सबमिट करा है तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को अभी नहीं इसका ज़रूरत है अभी इतनी, क्योंकि मेरी दूसरी खुद है वेबसाइट तो मुझे इसकी प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बस डेमो की वजह से दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मोनेटाइज के लिए कस्टम अगर आप थर्ड पार्टी से ऐड लगाना चाहते हैं तो उसका कोड यहाँ पे पेस्ट करके डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपका दूसरा ब्लॉग है और उस जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से बैकअप ले सकते हैं, या मान लो आपको ये ब्लॉग बंद करना है तो आप यहाँ से बैकअप ले सकते हैं, आपका सारी फाइल्स यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, सेव करेंगे,
करेंगे, ये अपलोड हो गई ब्लॉग करके। अगर आपको फ्यूचर और यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, अगर आप दूसरे उसके बाद फ्यूचर में कभी हो तो इंपोर्ट करेंगे। रोबोट टेक्स्ट आपको वेरीफाई करना पड़ेगा एक बार। वेरीफाई कर देंगे, इंपोर्ट करेंगे, लोकेशन पूछेगा, लोकेशन में ब्लॉग 30 तारीख वाला है, ये ओके कर देंगे। ये दिखा देगा कि आपका इंपोर्ट कॉन्टैक्ट हो जाएगा कुछ देर में। योर पोस्टिंग फिनिश दिखा दिया इसने, ठीक है। ये देखिए दो आ गए, दो पोस्ट हो गए, एक क्योंकि हमने पहले करा था, एक अभी हो गया। पेज भी दो आ जाएंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, दो आ गए पेज भी, ठीक है। यहाँ पे इनकी वो भी दिखा रहा है पहले वाली, ये अभी जो एड ऑन हुई है, तो ये हो गया। तो इंपोर्ट से आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव करना चाहें तो हट सकते हैं। साइड फीड अलाउ करना चाहते हैं सारे फीड के लिए, ऑल के लिए अलाउ चाहते हैं सब के लिए तो अलाउ कर सकते हैं। अगर किसी की स्पेसिफिक के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र प्रोफाइल में अगर आप अलग से कुछ एडिट करना चाहते हैं, जैसे कि आपका प्रोफाइल है, जो भी डिटेल्स है, ठीक है, ईमेल आईडी, ये वो, अगर आप इसके पे दूसरा कुछ चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, ठीक है। फोटो डालना चाहें फ़ोटो डाल सकते हैं, जो भी आपका है वो सब भी एडिट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आपका ब्लॉग तैयार है बिल्कुल। अब इसमें आप पोस्ट डालें, स्टेटिक्स, कमेंट्स, पेजेस ऐड करें और जो भी वो सारी चीज़ें हैं आप ऐड करें, तो आपको पता चल जाएगा क्या है कैसे है। और जैसे कि और उसके बाद अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बस गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ब्लॉगर गैजेट 2020 या जो भी आप अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया कि आप ये कैसे कर सकते हैं, व्हाट्सएप का क्या कर सकते हैं, ये है, ठीक है। अगर ये पेड सर्विस है, लेकिन आपको अगर कुछ फ्री का चाहिए तो फ्री में आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि ये भी देखिए थर्ड पार्टी से ही बना हुआ है, लेकिन ये कितना अच्छा बना रखा है। हाउ टू रिलेटेड पोस्ट, हाउ टू शेयर, यहाँ पे इतने सारे नंबर ऑफ पोस्ट, रैंकिंग, ये कितने सारे हैं सब आपको दिखा देगा, ठीक है। इसके अलावा और कहीं कुछ देखना चाहते हैं तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जिसने नहीं कर रखा, लेकिन इन्होंने अपना ही एक बना रखा है पोस्ट, ठीक है। तो सर्च स्टाइल, स्टाइल मेन्यू, इमेज, फ्लोटिंग पोस्ट गार्ड, एब्सेंस ऑलरेडी, ट्रांसपेरेंट, इतनी सारी चीज़ें हैं। सर्च विजिट ये है, सर्च कैसे करना है वो सब दिखा देगा, ठीक है। सब दिख जाएगा आपको गूगल पे, जो जो बच गया है वो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, तो मैं आपके लिए वो उसके लिए कोड कर दूँगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारा ब्लॉग है और एक मेरा अपना ब्लॉग है जो पर्सनल, और माई लिंक, ये मैंने एक लिंक के लिए अपना सेटअप कर रखा है, कॉपी पेस्ट राइट क्लिक नंबर सरकारी नौकरी भी, ठीक है। तो जैसे कि कॉपी पेस्ट कैसे डिसेबल करना है इसके, तो उसके लिए आप, मैंने बना रखा है एक अलग से, तो उसके लिए कुछ नहीं, बस इस पर मैं कॉपी के पेस्ट का जो कोड है वो बस मैं डाउनलोड करूँगा यहाँ से, ठीक है। और ये डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड हो गया। ओके, ये भी थर्ड पार्टी का है एक्चुअली, लैपटॉप किया, कॉपी किया, बन आए, लेआउट में आए, एक गैजेट ऐड करना है आपको, जावा एंड एचटीएमएल, जो ये दिख रहा है, ठीक है।
लिखना चाहते हैं आप कुछ लिख सकते हैं, नहीं तो पेस्ट सीधा कोड कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, एक बार अभी देखें, अभी मैंने नहीं करा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन अगर रिफ्रेश कर लिया मैंने तो ये देखिए, मैं इस पर जा रहा हूँ बट कॉपी नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट वाला कोड यहाँ पर डाल रखा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर जा के आप रिमूव कर सकें कर देंगे, फिर से रिफ्रेश करेंगे, फिर से यहाँ पे जा रहा है, ये हो गया कॉपी पेस्ट, है ना। अब सेम वैसे ही था जैसे कि टैप मेक इन इंडिया, माई लिंक्स पे जाता हूँ, मैंने राइट क्लिक डिसेबल दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, राइट क्लिक डिसेबल कैसे होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट ऑल कॉपी, तो अभी आपकी वेबसाइट पे देखें, मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बट अगर मैं इसी को सेम HTML वाला ऐड करा, पेस्ट करा, सेव कर दिया, इस पर जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, फंक्शन डिसेबल, देखेंगे राइट क्लिक कोई नहीं कर सकता, फंक्शन डिसेबल। और भाई अगर फिर उसके बाद मैंने ये हटा दिया, रिमूव कर दिया, अभी फंक्शन डिसेबल है क्योंकि मैंने रिफ्रेश नहीं किया। रिफ्रेश करूँगा, प्रोडक्ट तो ये आ गए हैं सारे। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं जो भी आप चाहें, और इसके बाद अगर कुछ और चाहिए तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कैसे क्या करना है, तो मैं आपको बता दूँगा कि बिंग्स पे, अगर बिंग पे कैसे सेम ही प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको उसमें भी दिक्कत हो रही है तो कैसे आप उसे कर सकते हैं मैं बता दूंगा। जैसे कि यहाँ पे अगर कस्टम डोमेन चाहते हैं, जैसे कि मैं, मेरा जो ये इस वेबसाइट है जी, ब्लॉगर पे ही बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये मेरा कस्टम वेबसाइट है। ठीक है, क्योंकि देखेंगे आप ब्लॉगर की ये पहचान है कि ये देखिए ये आ रहा है और लास्ट में HTML आ रहा है, तो उसी तरह आप यहाँ पे कस्टम डोमेन कर सकते हैं या बाई भी कर सकते हैं, तो सेम जो नेम है उस नेम से आपका दिखा देगा कि उस नेम से अवेलेबल नहीं है, अगर वो नहीं है तो गूगल खुद का दिखाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ट्राई करें, अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो बताएं, मैं कॉन्टैक्ट करें, मैं कमेंट करें, फिर हम हेल्प करेंगे। तो लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि कैसा लगा वीडियो बताना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें, और हमारी जो वेबसाइट है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी पढ़ने को, इसमें से अगर आप चाहें तो इसमें ये जो मैं है, कुछ भी आपको दिक्कत आती है तो इसमें आप सिर्फ ब्लॉग के ही है कि कैसे ब्लॉग में क्या कर सकते हैं, जैसे कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें इस वाले पोस्ट में मैं जाता हूँ, आपको इंट्रोडक्शन पर क्लिक करूँगा तो इंट्रोडक्शन वाले स्टेप पे आ जाएगा, स्टेप पे करूँगा तो स्टेप वाले पे आ जाएगा, देखिए इंट्रोडक्शन पे करा इंट्रोडक्शन आ गया, स्टेप्स पे करा तो स्टेप पे, तो कैसे आप जो है टेबल का वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, हमारी वेबसाइट पे जाकर पढ़ें, ये मेरी शायद है कैटेगरी में, देखिए मैंने ये कैटेगरी डाल रखी है, आर्टिकल्स, वीडियोस, टॉपिक्स, मोबाइल, एंड्रॉयड, आईफोन, ये सारी चीज़ें हैं, तो जो भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, और कमेंट में फिर बताएं कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच, तो कमेंट में बिल्कुल बताना ना भूलें कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।